मायरा फैशन स्वामी कॉम्प्लेक्स एंड वेगा मॉल अजमेर। पर शब्द क्या आ रहा है? नागरिकता संशोधन कानून, यानी कि नागरिकता कानून तो पहले से ही बना हुआ है। समय की आवश्यकता और अनिवार्यता को देखते हुए समय समय पर संशोधन किए गए, जिसके तहत अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि इसमें संशोधन 9 बार हुए। जब 9 बार संशोधन हुए तब तो बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, देश के अंदर एक ही पार्टी राज करती थी, कांग्रेस सरकार राज करती थी। जब आप इस कानून में संशोधन कर सकते हो तब तो सारे गुनाह माफ है। जब आपका मुख्यमंत्री जो अभी राजस्थान के अंदर है, वो अगर नागरिकता देने की बात तब करते हो जब केंद्र में बीजेपी की सरकार हो तब बात ठीक है, किंतु जब सरकार केंद्र में हमारी आ जाए और वो चाहने वाले कानून को हम लेके आ जाए और जब लगता हो कि इनके सर पे सहरा बंधने वाला है तो उसका फिर विरोध करने लग जाए, लोगों को बरगलाने लग जाए, बस इतनी सी ये कहानी है। बाकी कानून उस समय वो भी चाहते थे और कानून हम भी चाहते। एक दो तीन उदाहरण के साथ आपको बताना चाहता हूं। आप इस कानून बनने के बाद आपको ध्यान है महाराष्ट्र के अंदर अभी शिवसेना ने सरकार बनाई, ये वही शिवसेना है जो हिंदुत्व की बात करती थी, ये वही शिवसेना है जो देश के अंदर से नागरिकता कानून की बात करती थी, किंतु मुख्यमंत्री बन गए, सत्ता में बने रहना है और जो सहयोगी दल है वो एक कांग्रेस है और दूसरा सहयोगी दल भी कांग्रेस में से निकला हुआ एनसीपी दल है, यानी कि उनके समर्थन से उनको सरकार चलानी है। तो दृश्य क्या बना ये आपको याद दिलाना चाहता हूँ। लोकसभा के अंदर जब ये कानून लाया गया था तब शिवसेना ने लोकसभा में इस कानून संशोधन कानून का बिल का समर्थन किया। फिर समर्थन देने के बाद जब सदन से बाहर निकले तो अम्मा जी ने डांट लगाई, सरकार चलानी कि नहीं चलानी महाराष्ट्र के अंदर। आपको सबको पता है अम्मा जी कौन है, सोनिया जी। उनकी डांट सुनकर जब राज्यसभा के अंदर ये बिल प्रस्तुत हुआ तो शिवसेना वहां से बायकॉट कर गई कि भाई बोलेंगे भी नहीं और चुप रह जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। तो हम सब कानून के जानकार और आप जागरूक नागरिक हैं, बायकॉट करना भी एक तरह से समर्थन करने के बराबर होता है, नहीं तो आप वहां खड़े होकर विरोध करते। पर वहां बायकॉट कर गए, यानी कि आपने लोकसभा के अंदर भी समर्थन कर दिया, राज्यसभा के अंदर भी समर्थन कर दिया। जब समर्थन करके आपने इस बिल को कानून बना दिया और फिर जब लगा कि नहीं नहीं ये तो मामला गड़बड़ हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंच सकता है, तो फिर विरोध करने लगा कि इसको महाराष्ट्र में लागू नहीं करेंगे। ये दृश्य आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार का दृश्य दिल्ली के अंदर हुआ, दिल्ली में इस चीज को लेकर विरोध हुआ। तो दिल्ली में क्यों विरोध हुआ? दिल्ली में इसलिए विरोध हुआ कि अभी जो चुनाव आने वाले हैं, चुनाव करेंगे, भाई भाई का नारा लगाएंगे, हिंदू चीनी भाई भाई का नारा लगेगा, जिस प्रकार से इस्लाम भाई का नारा लगेगा, तो इसमें क्या होगा कि मुस्लिमों को इस प्रकार का खौफ बता दिया जाएगा कि देखो ये भारतीय जनता पार्टी आपके हित वाली सरकार नहीं बन सकती, आपके हित वाली पार्टी नहीं है, इसलिए आप हमारे को साथ आओ, हमारे को वोट दो। तो दिल्ली के अंदर इस प्रकार का आपको देखने को मिला। ममता बनर्जी ने वहां पर उस प्रकार का माहौल बनाया क्योंकि वहां वोट देने वाला जो तबका है वो तबका ममता बनर्जी को समर्थन देने वाला जो है वो हमारे को भी पता है कि बांग्लादेशी हैं, तो उनका वोट बैंक बना रहे, तो इस प्रकार से उन्होंने भी देश के अंदर माहौल बनाना शुरू किया। तो इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रम जब बुरी ताकतें सड़कों पर उतर गई, जब बुरी ताकतों के उतरने के कारण देश में माहौल बनने लगा। अब मैं एक प्रश्न आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि हमारे को पता है कि जब ये जनसंघ की स्थापना हुई थी, जनसंघ की स्थापना के साथ ही हमारे मन के अंदर कल्पना थी कि देश के अंदर से धारा 370 हटनी चाहिए, इस देश के अंदर राम मंदिर बनना चाहिए, इस देश के अंदर एक कानून रहना चाहिए, इस देश के अंदर समान नागरिकता का अधिकार होना चाहिए। यह हमारा मैनिफेस्टो में था, भारतीय जनता पार्टी लेकर उसको बात को आगे बढ़ाया। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी 13 पार्टियों की सरकार थी तो 13 पार्टियों की सरकार के अंदर लोग विचलित हुए, तब हमने कहा कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी की 13 पार्टियों की सरकार ये लागू नहीं कर पा रहे। तो मन हमारा कार्यकर्ताओं का विचलित हुआ,
जब नरेंद्र मोदी जी की पिछली बार सरकार बनी तो फिर हमारे ने कहा कि हम तो अब तो केंद्र में वापस बैठ गए, तो क्यों नहीं ये कानून और जो हमारा सपना है इसको आप लागू कर रहे हैं। तब आप सब लोगों को ये विषय ध्यान में होना चाहिए कि हम लोकसभा में तो बहुमत में थे किंतु राज्यसभा के अंदर नहीं थे, और कोई कानून बनाना है तो लोकसभा में और राज्यसभा में इन दोनों प्रकार से बिल पास होकर राष्ट्रपति जी के जब हस्ताक्षर होंगे तब जाके ये कानून बन पाएगा। अब की बार हम स्पष्ट रूप से लोकसभा में बहुमत में आए और राज्यसभा के अंदर भी हम तो कानून को बनाने की स्थिति में थे, तो फिर कोई मौका नहीं चुका। और साल भर भी अभी तो पूरा नहीं हुआ, आपका राम मंदिर हो रहा, आपका 370 हो गया, आपका 35A हट गया, आपका एक कानून आ गया, और इस प्रकार से देश के अंदर ये नागरिकता की चीज आई। अब जिस संकल्प और जिस सपने को लेकर जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, जिस बात को लेकर हम कार्यकर्ता मुट्ठी तान कर इस बात के नारे लगाते थे, वो जब संकल्प पूरा होने को आया तो हम केवल और केवल मन में इस बात का समर्थन कि काम अच्छा हो रहा है, किंतु बुरी ताकतें सड़कों पे, बुरी ताकतों का दृश्य नजर आता है तो पूरे माहौल में क्या नजर आता है कि इस बिल का या इस कानून का बहुत ज्यादा विरोध है। एक पंचतंत्र की कहानी के साथ अपनी बात को विराम करूंगा। पंचतंत्र की एक कहानी में ध्यान है कि एक पंडित जी ने पूजा पाठ कराया, उसको पंडित जी को दक्षिणा के अंदर बकरी दे दी यजमान ने, वो यजमान से बकरी लेके अपने कंधे पे बकरी को रख के चलने लगे। रास्ते में ठगों ने देखा कि पंडित जी जा रहे हैं और बकरी का बच्चा इनके उसके कंधे पे है, तो उस बकरी के बच्चे को हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं इस पंडित जी से। तो उन ठगों ने एक विद्या बनाई, विद्या बनाकर 5 अलग अलग टुकड़ों में बट गए। पहला आदमी मिला और पंडित जी कहाँ जा रहे हो, तो जा रहे हो, ये गधे का बच्चा कैसे अपने कंधे पर रख रखा। पंडित जी ने कहा पागल है क्या, ये बकरी का बच्चा है। आगे बढ़ गया, दूसरा मिला, फिर से पंडित जी को कहा, अरे पंडित जी ये गधे का बच्चा आप कैसे लेके चल रहे हो। पंडित जी थोड़े से विचलित हुए, ये ऐसे कैसे कह रहे हैं यार, पहले वाले ने भी गधे का बच्चा कहा, इसने भी कहा भी तो मेरे को यजमान ने बकरी है। ऐसे कर करके पांचवा आदमी ने भी जब ये कहा कि पंडित जी ये गधे का बच्चा कहाँ लेके जा रहे हो, तो उसको लगा कि सर यजमान ने मेरे को ठग लिया। उसे उठाकर उस बकरी के बच्चे को पटक दिया और कहा गधा ले गया, और फिर यजमान के पास जाके लड़ने लगा। ठीक इसी प्रकार की स्थिति है कि अगर झूठ बोलने वाली, इस देश के अंदर झूठ बोलने वाली ताकत के कानून बेकार है, कानून बेकार है, शोषित करने वाला है, शोषित करने वाला है, तो आम जन के और अपने भी दिमाग में जाए यार मुस्लिम भाइयों के साथ ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं अपने मन में भी इस बात का विचार नहीं आ जाए, जन के मन में भी इस बात का विचार नहीं आ जाए, इसलिए इस भावना को दूर करने के लिए इस प्रकार के ये बैठक मीटिंगें रखी गई है, ताकि लोगों के अंदर अधिक से अधिक इस बात की जानकारी आ जाए। जो संपूर्ण जानकारी अभी देवनानी जी देंगे, मैं केवल इसकी भूमिका के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो इसको जो आपके यहाँ पर जानकारी प्राप्त हो, उस जानकारी को एक सिद्धांत के साथ लेके जाना। ज्ञान बांटने के साथ बढ़ता है, अगर ज्ञान को आपने अपने पास ही सीमित रख लिया तो निश्चित रूप से वो घटेगा ही। इसलिए आज आप इस विषय की जब जानकारी लेके जाएं, तो अधिक से अधिक अपने पड़ोस में, संपर्क में जो भी कोई व्यक्ति आए, इसके इस भ्रम को इस बात के लिए दूर करना कि नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का किसी भी प्रकार से कानून नहीं है, और देश के अंदर रहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ये किसी भी सूरत में कोई प्रभावित नहीं करेगा। और एक जब बार बार ये बात का भ्रम फैलाया जाता है कि अब हम प्रमाण पत्र कहाँ से लाएंगे, हम प्रमाण पत्र कहाँ से लाएंगे, तो एक जाति विशेष या एक धर्म के लिए वो प्रमाण पत्र मांगने की बात नहीं होगी, जब कभी होगी तो इस नागरिकता कानून में तो बिल्कुल भी नहीं है। जब कभी भविष्य में NRC आएगी तो NRC तो मेरे से भी मांगी जाएगी, और मेरे को पता है, मैं कह सकता हूँ क्योंकि मेरे को व्यक्तिगत अनुभव है इस बात के लिए कि मैं मेरी माँ से पूछता हूँ कि भाई तेरी जन्मतिथि कब है, तो कहते हैं तो मैं तो होली के दिन पैदा हुई थी, तो जन्म प्रमाण पत्र तो उसके पास भी नहीं है, तो यानी कि मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ। बट तय है कि ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है ये भ्रम गलत है। निश्चित रूप से आप यहाँ से आज जो जानकारी लेके जाएंगे ये अधिक से अधिक लोगों के बीच में पहुँचाएंगे, तो जो हमारा सपना था, जो हमारा मैनिफेस्टो था, जो भारतीय जनता पार्टी के गठन की बात थी, जिस संकल्प को लेकर हम चल रहे थे, उस संकल्प को ऊंचाइयों तक पहुँचाएंगे, और जो अच्छी ताकतें हैं उनको भी बल मिलेगा ताकि आने वाले समय में अच्छे से अच्छे फैसले वो कर सकें। और एक विडम्बना की बात, इस देश का आदमी नहीं मान रहा है, जिस आदमी को विश्व का आदमी मान रहा है, विश्व का जन मान रहा है, और अभी जो देश के अंदर अमेरिका और इराक के बीच में जो चल रहा है, वो इराक वाला कह रहा है कि अमेरिका से मेरी दोस्ती करा दो, मैं लड़ना नहीं चाहता। मतलब आपको, आपके मुखिया को विदेश तो प्रमुख मान रहा है, तो ये मारवाड़ी में क्या बना, घर का जोगी जोगणा बार गांव का सिद्ध।
तो घर का आदमी है तो बेकार है, इसकी बुराई करो, उसको बेकार करो। तो निश्चित रूप से हमको इनके समर्थन में आगे बढ़ना है, इनके हाथ मजबूत करने हैं। इसी बात के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।